लेकर जमुआ भाजपा विधायक केदार हाजरा के भतीजे नीतीश कुमार पर जमुआ थाना में एक नाबालिग छात्रा पर जबरन दुष्कर्म कर मारपीट तथा गाली गलौज करने का मामला जमुआ थाना में दर्ज किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर जमुआ चौक से थाना तक भाकपा माले ने प्रतिवाद मार्च निकाला और भाजपा विधायक के विरोध में जमकर नारेबाजी की। वहीं जमुआ चौक पर एक नुक्कड़ सभा भी की गई, जिसका संचालन भाकपा माले के युवा नेता असगर अली ने किया। भाकपा माले प्रखंड कमेटी की ओर से कारोड़ी में छात्रा के साथ जो नीतीश हजरा नाम के विधायक के भतीजे बलात्कार किए हैं, जिनका रिपोर्ट जमुआ थाना में दर्ज है, छात्रा को मेडिकल जांच के लिए गिरिडीह भेजा गया है और जमुआ के सभी समाचार पत्रों में बहुत मजबूती के साथ जो है विधायक के भतीजे के बारे में बलात्कार की घटना है जो है छपी। हम लोग भी जो है देखने के बाद अपनी टीम को जो है वो छात्रा से मिलने के लिए, उनके परिजन से मिलने के लिए भेजे, लेकिन केदार हजरा का इतनी दबंगई है, वो एक विधायक नहीं मानो लगता है कि वो माफिया है, इसलिए वो छात्रा के परिजन से हमारे टीम के लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। आज भी जो छात्रा के माँ बाप को धमकाया जा रहा है, उनको जो मीडिया के सामने आने नहीं दिया जा रहा है, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के सामने अपना दुख को बताने नहीं दिया जा रहा है। इस तरह का गंदे हरकत के खिलाफ जमुआ के पुलिस, इस जिले के पुलिस चुप बैठी हुई है, तो ये लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। जो मोदी और रघुवर कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, आज उन्हीं के राज में जो है बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। और ये हमारे महानुभव सांसद रविंदर राय जो है चुप्पी लगाए बैठे हुए हैं, चाहे जमुआ में हत्या हो जाए, चाहे जमुआ में बच्चियों का बलात्कार हो जाए, ये रविंदर राय को जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उनका आका है। ये आका जो है अपने ही लोगों के खिलाफ जुबान कैसे खोलेंगे, जनता मारे जाए जनता तबाह हो जाए, लेकिन रविंदर राय जो है जुबान नहीं खोलेंगे। ये केदार हजरा पूरे पूरे बलात्कारियों के बचाने के पक्ष में लगे हुए हैं, उनको जो है शर्म नाम की चीज है, तो वो तुरंत बयान दे प्रशासन से तुरंत।